इस शेयर पे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग है आरसीएफ के अंदर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल का ब्रेकआउट भी आपको करता हुआ शेयर दिख जाए। खैर एनी हाउ, 3 बज चुकी है, खबर गर्म है, यानी कि डीलर रूम चेक ले लेते हैं एक बार। आइए शरद को अपने साथ जोड़ते हैं। शरद जी बताइए गर्मा गर्म खबर। जी बिल्कुल, हमारी बात जो है ब्रोकर्स, डीलर्स और एनालिस्ट से हो रही है, और हमने सबसे पहला स्टॉक लिया है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे HNI सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गई है, और लगातार 5वें दिन में जो है सेलिंग प्रेशर जो है स्टॉक में देखने मिल रही है, और ये सेलिंग प्रेशर जो है QSR स्टॉक्स में भी थोड़ी देखने मिल रही है। और ये ऑफकोर्स देवयानी इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूडवर्क्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा, यहाँ पे HNI सेलिंग हो रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पॉली कैब स्टॉक में जो है, यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड हाउसेज ने बाइंग स्टार्ट की है, और डीलर्स कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बाइंग इस स्टॉक में देखने मिल रही है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम लेवल्स को टच किया है, लेकिन हालांकि अगर वैल्यूएशन देखें तो अभी भी 14% डिस्काउंट अपने लाइफ टाइम हाई लेवल वैल्यूएशन से कर रही है, और अभी करेंटली 12 मंथ्स फॉरवर्ड में लगभग 40 गुना पी पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है मिल्क स्पेस से दोदला डेयरी, यहाँ पे जो है फ्रेश बाइंग जो है PMS और HNI दोनों सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। और याद रखिए, कंपनी ने जो है, हमने डीलर से बात की है कि लगभग 2 प्राइस हाइक्स जो है पिछले 4 से लेकर 6 हफ्ते में ऑलरेडी ले ली, और ये मार्केट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसके अलावा 2 अहम ट्रिगर और है कि मैरिज सीजन का जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग आ रहा है, और दूसरा बात है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी अब कूल ऑफ होने लगे हैं, तो एक्यूमुलेशन जो है दोदला डेयरी में देखने मिल रहा है। ओके ठीक है, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आप अभी बता भी रहे थे। दोदला डेयरी में एक राइडर के साथ कि वॉल्यूम कम रहता है, एक बार धोनी आप इस शेयर को जरा चेक कीजिए। तो दोदला डेयरी स्पेलिंग है DODLA। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर ओवरऑल हम देखें तो ज्यादातर इसका एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कोई भी एक बाइंग इनिशिएट करनी है तो इसके डिप्स की वेट करना पड़ेगा। 475 का लेवल है जहां तक ये स्टॉक और वापस से डिप कर सकता है। 475 के लेवल्स को अगर ब्रीच करता है तो इसका एक बेरिश साइड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो वापस से इनिशिएट होगा, तो 475 के लेवल्स पे इसको वापस रिव्यू कर सकते हैं। वहां पे अगर कूल ऑफ होता है तो स्टॉक के अंदर कोई भी एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट करंट लेवल से कोई भी एक बाइंग की रिकमेंडेशन अभी इसमें नहीं बन रही।